मुझे ठंड इतनी लग रही थी, मैं मजाक नहीं, सारे डायलॉग्स में ना मैं शिवर कर रही थी। मैंने बहुत, अगर आप देखो ना, मैं बहुत, मैं पुरखी को, मैं सीधी खड़ी ही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं फ्रंटल होती ना सही, हम सीन ही खत्म नहीं कर पाते। इतनी मेरी बॉडी ठंड से इतनी चिड़ है ना, ये ठंड झेल नहीं पाती। मेरी बॉडी काम गई थी। नमस्ते, मैं हूँ भूमि पेडनेकर। हाँ, मैं हूँ गुरप्रीत। ये हैं संजय मिश्रा और मैं हूँ आदित्य श्रीवास्तव। हमारी फिल्म भक्षक नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है। हम एक साथ कुछ सीन देखेंगे, आज पहली बार एक साथ देख रहे हैं। हाँ। और उस पे कुछ चर्चा करेंगे। तो शुरू करें भूमि। यस आदित्य सर। यस यार, चलिए। 2 घंटा हो गया हमको आए हुए, अन्न का एक दाना नहीं खाए हम। आज मैं तो खिचड़ी चढ़ा देते। हाँ ये ठीक है, दिन भर मेहनत करें हम और रात में खाएं खिचड़ी। बता दो ना क्या खाओगे, बना देते हैं। अरे क्या बनाओगी तुम, सठिया गई हो? ना समय देखती हो ना कुछ और, बस खाली काम 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 करना है तुमको, घर से कोई मतलब नहीं। तुम चिल्ला काय रहे हो? अरे चिल्लाए नहीं तो और क्या करें, पैर दबाएं तुम्हारे। हाँ, क्या पैर दबाने? हाँ हमको तुम्हारे काम करने से दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे तुम कर रही हो उससे दिक्कत है। हमने भी हमारे इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं ये देखा हुआ है। मैं खुद काम कर रही हूँ, मैं देखती हूँ, मेरी मदर हमेशा एक वर्किंग पेरेंट थी, लेकिन हम उनपे इतने प्रेशर्स डालते थे क्योंकि मैं उनसे लड़ती थी कि आप स्कूल क्यों नहीं आ सकते। अब मुझे समझ आ रहा है वो ऑलरेडी इतनी चीजें संभाल रही थी कि अब मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता है, इसलिए ये सीन मेरे लिए ना बहुत ही पर्सनल भी है। और ऊपर से ये है कि वो आदमी आके बैठा हुआ है 2 घंटे से और वो वेट कर रहा है कि जब ये वैशाली आएगी तब उनको खाना मिलेगा, कि मतलब जिम्मेदारी डाल के रखी हुई इन्होंने पहले। और ये बहुत ही बढ़िया चीज भी कहती है आगे कि क्या है, खिचड़ी बनानी है ना, एक मुट्ठी दाल एक मुट्ठी चावल लेके सीटी लगानी, इतना भी नहीं कर सकते, बच्चे हो, शायद मुझे खिला देते तुम। बिल्कुल, 2 घंटे से आके बैठा है। ये किसने डिसाइड किया, जैसे आप कह रहे हो कीनी का काम है, ये तुम्हारा ही काम है। तुम यहाँ बैठे हुए हो 3 घंटे से, कुड़ रहे हो, भूखे हो, तुम अपनी खुद की भूख नहीं मिटा सकते। मिथिलेश सेवा बताया, CWC गई थी ना, हम फौरन आपके पति को फोन किए, बड़े सज्जन आदमी लगे, आनंद आ गया बात करके। पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं ना अरविंद बाबू? बताइए, 6 साल हो गया शादी को, आपको देख के लगता ही नहीं है, लगता अभी भी कुंवारी हैं आप एकदम। एक होता ना, कभी कभी आप कुछ ऐसा कर जाते हो कि आपका आगे का दिन में कई आपका बैलेंस हिल जाता है। इस सीन में मुझे वो फील हुआ था आपसे, तो सर एकदम हेड ऑन एनर्जी आ रही थी। यू नो एंड में सीन जैसे एंड होता है, ये जब जारी भी होती है ना, ये उसके पास जगह नहीं है जाने की, उसको इतने पास से जाना होता है इस आदमी के, उसको ये नहीं पता कि ये उछल तो नहीं लेगा मेरे ऊपर। और वो भी जो पीछे बैठे हुए हैं, वो कॉन्स्टेंटली जो देखे जा रहे थे हमारे तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें ये पावरफुल आदमी है, ये इनको धमका रहा है, इसके धमकाने की अलग तरीके हो सकते हैं ना कुछ, तो ये एक अलग बात है। लेकिन जो सब और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वैशाली वहाँ पे डट के खड़ी हुई है, वो एक एक लाइन बोलती है कि सच सच की तलाश है, वो लगी हुई है कि मैं पत्रकार हूँ, पहले ही लाइन, वो इंटिमिडेट नहीं हो रही है, ये एक बड़ी बात है। वो कोशिश कर रहा है इधर उधर, लेकिन जो सच की ताकत है, जो जिसने नेल किया इस आदमी को, ये पूरे कांड को, वो ताकत भी इस सीन में दिख रही है। सबसे बढ़िया लाइन इसकी जो एक तुम्हारी पहली आती है, गलत क्या है, जो हमारे लिए गलत है वो किसी और के लिए सही है। अब तब ये लगने लगता है लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है, नॉर्मल है अंकल, ऐसे अंकल तो मेरे पीछे भी रहते हैं, बड़ा गलत क्या है। यस आपने एकदम करेक्ट बात कही कि जो भक्षक है वो तो हमारे बीच में बैठा हुआ है, चाय पी रहा है और बोल रहा है गलत क्या है भैया, आप अपना करते रहिए, हमको अपना करने दीजिए। लेकिन मतलब क्या बात है ना, फिर मिला ले आदित्य सर मुझसे। अरे यार सबका
फिर सबका हाँ। होता है कॉम्बिनेशन। हमने शायद इस सीन को रिहर्स ज्यादा नहीं किया था, हमने शायद एक रीडिंग ये पहले दिन शूटिंग थी आई थिंक, मुझे याद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो सारी चीजें स्क्रिप्ट डिसाइड करती है, स्क्रिप्ट बताती है हमको कि सिचुएशन वो गाइड करती है। सामने कौन एक्टर बैठा, सामने कौन एक्टर बैठा, संजय मिश्रा भूमि पेडनेकर कैसे वही है कि एक एक अच्छे कास्ट और अच्छे एक्टर के साथ चीजें बनती हैं और जो सीन है जो सिचुएशन है वही गाइड करता है। इंसान और जानवर में यही फर्क है भास्कर जी, इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी जुबान चला सकता है। क्या डायलॉग, अगर हम वो भी नहीं कर सकते ना तो हमें अपने आप को जानवर मान लेना चाहिए। हम जब इस पुल पे आए थे संजय जी तब कोहरा नहीं था, जैसे हम वहां पहुंचे इतनी फॉग आ गई, वो एक्चुअली आगे रिवर थी, इतनी ठंड, इतनी वो रेलिंग सडनली मतलब बहुत ही ज्यादा ठंड थी। आई थिंक मुझे लगता है उस माहौल ने इस फिल्म में इस सीन में इतनी जान डाल दी। लेकिन एक गल, 5 सिगरेट बर्बाद करवाए थे इसने प्रोडक्शन के। मुझे ठंड इतनी लग रही थी, मैं मजाक नहीं, सारे डायलॉग्स में ना मैं शिवर कर रही थी, मैंने बहुत, अगर आप देखो ना मैं पुरके को मैं सीधी खड़ी ही नहीं हो सकती क्योंकि एक दो टेक में लिया, मैडम ठंड जैसा दिख रहा आपका नॉर्मल नहीं है। मैंने कहा मैं रह, अगर मैं फ्रंटल होती ना सही हम सीन ही खत्म नहीं कर पाते, ठंड से इतनी चिड़ है ना ये ठंड झेल नहीं पाती, मेरी बॉडी कांप गई थी। अरे साला, साला सरकारी गवाह बन गया है ये, हाँ वैशाली को सब कुछ बक दिया साला, झूठ है, कोई झूठ बोल रहा है। आई थिंक दिस सीन एज अ परफॉर्मेंस सीन फॉर एक्टर्स जो आप तीनों के बीच में हुआ है इस सीन में, मुझे नहीं पता ये कोरियोग्राफ था, एक जो हुआ है सब मेरे लिए मैजिक है। इनकी केमिस्ट्री देखिए, इन चारों की, बंसी साहू अपना एक्शन कर रहे हैं, अरे ये है जिसके वजह ये मोल है, वो गए एक डंडा लेने, दूसरा मार रहा है चप्पल से, चित्रंजी जा रहे चप्पल से मत मारना, जूते से मत मारना। जब चार लोग एक स्पेस में होते हैं तो बहुत कम ये निकलता है मुझे दोस्तों। हाँ वो ट्राई करने पे ही होता, कई बार वो सही कह रहे हैं आप, वो मैजिक कई बार आता है कई बार नहीं होता, बट लाइक माइंडेड एक्टर हों, एक तरीके से कोशिश करने वाले लोग जब रहते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो मैं जानती हूँ आप कितने ऑब्वियसली ऐसे तो है नहीं, अब इतने ज्यादा सज्जन इंसान है, मेरे को लगता है कि यार कैसे मतलब बड़ी सज्जनता के साथ दुर्जनता का रोल किया है मैंने। हाँ ऐसा कुछ बहुत हिंदी हो गया, ये मुझे समझा भी नहीं, मैं बताऊं नहीं, ये मतलब मेरे थोड़ा ज्यादा हो गया सो। हमारी फिल्म भक्षक आगे भी तो बोलो ना, स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पे, प्लीज जाके देखिए, 9 फरवरी को आ चुकी है।